अपॉइंटमेंट का तरीका यही होता है हमेशा प्रोटेम स्पीकर बनाने का, जो सीनियर मोस्ट कॉरपोरेटर होता है अमूमन उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को हम लोग पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। जब उसके बाद हाउस हो जाता था तो हाउस के बाद वैसे तो यही है कि हर बार जब मेयर का चुनाव होता है तो प्रोटेम स्पीकर सीनियर मोस्ट को बनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी भी इन्होंने परंपरा चला रखी थी जो मेयर होता था मेयर को प्रेजाइडिंग ऑफिसर बना देते थे, क्योंकि अब चुनाव हुआ नगर निगम दोबारा बैठी है तो जो सीनियर मोस्ट कॉरपोरेटर है उसको जीत के आना चाहिए था। ये लोकसभा में भी यही सारी चीज़ें फॉलो करती है और विधानसभा में भी करती है, लेकिन एलजी साहब ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चाहती थी कि वो नगर निगम के चुनावों को चाहे वो एल्डरमैन के माध्यम से उन्हें वोट देने के अधिकार की जैसे कि शंका जाहिर की जा रही थी, तो ये क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे थे लेकिन पीठासीन अधिकारी ने उसके जवाब नहीं दिए, जिसकी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें हुई। यदि आप मेरे को एक बार बताइए, सबसे पहले दिल्ली की जनता ने हजारों हजारों वोट देकर निगम पार्षदों को चुना, पहले वो चुने हुए जनता के नुमाइंदे वो सबसे पहले वोट लेंगे या मनोनीत किए हुए सदस्य पहले वो शपथ लेंगे कि 2021 के अंदर जो इस नगर निगम के हमारे नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन के सबसे आखिरी मेयर हैं राजा इकबाल जी, उन्हें मेयर इलेक्ट होना था। यहाँ से जयप्रकाश जी जो उस समय के तत्कालीन मेयर थे उनका नाम भेजा गया था, लेकिन एलजी बैजल साहब ने उस समय उस पर रोक लगा दी थी। उन्होंने दोबारा यहाँ से पूछा कि सबसे सीनियर मोस्ट कॉरपोरेटर आपके यहाँ कौन है, इन्होंने मेरा नाम भेजा कि सबसे सीनियर कॉरपोरेटर तो मुकेश गोयल है। एलजी साहब ने मेरे नाम को अप्रूव किया, जो सिटिंग मेयर था वो नीचे बैठा और प्रोटेम स्पीकर के रूप में सबसे सीनियर व्यक्ति ने वहाँ पर उन लोगों को शपथ भी जो उनका इलेक्शन कराया। तो जबकि एलजी साहब गलत थे, आज के एलजी साहब गलत है। रीज़न क्या लगता है सर? क्या रीज़न? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिल्ली में नकार दिया, बहुमत आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया, लेकिन इनका सत्ता का मोह नहीं छूट रहा। वो किसी भी तरह से बाई हुक बाई क्रूक चाहे एल्डरमैन मनोनीत करके, वो भी असंवैधानिक रूप से, उसका भी एक तरीका होता था, दिल्ली सरकार नाम भेजती थी उसके ऊपर एलजी साहब अप्रूवल देते थे, वो भी एलजी साहब ने सीधे कमिश्नर से उसका नोट मंगवा लिया और सीधा अप्रूव कर दिया, वो भी सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खेल खेला जा रहा है। एल्डरमैनों को अब नगर निगम के हाउस के अंदर वोट देने का अधिकार नहीं है, हाईकोर्ट से ये स्पष्ट आदेश है। कुछ लोग एल्डरमैन कोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी थी, ऑर्डर किए थे कि इन्हें वार्ड कमेटी में वोट डालने का अधिकार है, इन्हें हाउस के अंदर वोट डालने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी अब इनकी प्लानिंग थी कि हम 10 निगम पार्षदों को, मनोनीत निगम पार्षदों को वोट डालने का अधिकार दें, वो भी पीठासीन अधिकारी के माध्यम से, तो उससे नंबर बढ़ जाते हैं इनके। एक आखिरी सवाल कि अब क्या होगा, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इतने पुराने मेंबर हैं हाउस के, क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? नहीं, आगे देखेंगे जो समय होगा, नहीं जो भी होगा देखते हैं अभी क्या होता है। हम तो केवल एक चीज़ कह रहे हैं, जो हमारा डीएमसी एक्ट कहता है, जो 1957 का डीएमसी एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार काम करो, कोई समस्या ही नहीं है।